हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल व्हाट्सअप नंदिनी में। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप अपने एक साल से ऊपर के बच्चे को रोटी यानी कि चपाती किस तरीके से दे सकते हैं, कैसे आप अपने बच्चे को चपाती इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि रोटी अपने आप में एक पूरा मील है। इसके बहुत सारे फायदे हैं, बच्चों को इससे फाइबर मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम अगर आपके बच्चे को है तो उसमें ये बहुत ज़्यादा रिलीफ पहुंचाता है, और अगर आप रेगुलर देते हैं रोटी तो आपके बच्चे को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत भी नहीं होती है। तो मैं पूरे दिन में एक मील ये रोटी ज़रूर देती हूँ अपने बच्चे को। तो चलिए आइए देख लेते हैं कि आपको ये किस तरीके से अपने बच्चे को देना होता है। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको चाहिए एक रोटी, यहाँ मैंने रोटी में घी लगाया हुआ है, और एक कटोरी यहाँ मैंने लिया है ये गाय का दूध। अब आपको क्या करना है इस दूध में, ये दूध मैंने यहाँ पर गुनगुना कर लिया है। अब आपको रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करने हैं, आप एक मीडियम साइज की रोटी बना सकते हैं और इसके आपको अब छोटे छोटे टुकड़े करने हैं इस तरीके से, और अब आप इसे दूध में डाल दीजिए। ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी, क्विक और बहुत ही न्यूट्रिशनल रेसिपी है बच्चे को देने के लिए। इसको अब मैंने दूध में डाल दिया है और अब मैं इसको डिप करके 10 से 15 मिनट तक आप इसे छोड़ दीजिए ताकि रोटी जो है वो पूरी तरीके से इसमें भीग जाए और बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसे 10 से 15 मिनट तक छोड़ देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं और हमारी रोटी बिल्कुल अच्छी तरीके से भीग गई है, और आप ये देख सकते हैं ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है, इस तरीके से इजीली कट रही है चम्मच से। और आप इसे चाहें तो इस तरीके से मैश करके भी बच्चे को दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मैं मिक्सर में इसे ग्राइंड करूँगी। इससे क्या होगा, इसका एक प्यूरी फॉर्म में ये बन जाएगा दूध रोटी, और आप इसे आसानी से बच्चे को खिला सकते हैं। यहाँ मैं डालूंगी अब एक चम्मच चीनी, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं, वरना चीनी की जगह आप गुड़ का भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर नहीं चाहते तो आप कुछ भी मत डालिए। अब मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी। ये देखिए, ये बिल्कुल प्यूरी फॉर्म में हमारी दूध रोटी बन गई है। अब मैं इसे आपको बोल में निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारी दूध रोटी बिल्कुल प्योरी फॉर्म में अच्छी तरीके से बन गई है। इंस्टेंट, इजी, हेल्दी और बहुत न्यूट्रिशियस फूड ये है, आप अपने बच्चे को दे सकते हैं। और ये था मेरा आज का वीडियो फ्रेंड्स। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना और मुझे कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना। और हाँ, अगर अच्छा लगा हो मेरा वीडियो तो उसे शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।